नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ में अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। गंजबासोदा तहसील में पिछले लंबे समय से उदयपुर क्षेत्र में अवैध तरीके से खनन माफिया पत्थर की खदान चलाकर शासन को लाखों रुपयों का राजस्व का चूना लगा रहे हैं। मंगलवार को वन विभाग पुलिस ने उदयपुर क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई करते पत्थरों से लदे एक ट्रक को जब्त किया। इस कार्रवाई में एसडीएम प्रकाश नायक, एसडीओपी ज्ञान प्रकाश अग्रवाल, बासोदा रेंजर सुरेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल और वन विभाग अमला मौजूद रहा। वहीं जिला बनाओ अभियान के संयोजक शैलेंद्र सक्सेना ने प्रशासन को कार्रवाई करने पर बहुत बहुत बधाई दी। उनके मुताबिक गंजबासोदा में ऐसी कार्रवाई का होना बहुत जरूरी है, जिससे मंदिरों की रक्षा हो पाएगी। वहीं कमलनाथ ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष अमित मेहता का कहना है कि भूमाफिया और अवैध उत्खनन पर कार्रवाई हो रही है, इसकी हम सराहना करते हैं। प्रदेश सरकार गरीबों की सरकार है। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एनएन चौबे की रिपोर्ट। प्रशासन पूरी नजर रखे हुए है। आज संयुक्त रूप से प्रशासन और राजस्व द्वारा कार्रवाई की गई, उसमें फॉरेस्ट भी शामिल हुआ, जिसमें एक ट्रक पत्थरों का पकड़ा गया, तो वहीं पर फॉरेस्ट को सुपुर्दगी में दे दिया गया। बिल्कुल सही है, जो वहां पर खदान है और जो भी विस्फोट होता है उसमें कुछ विस्फोटक सामग्री मिली है, जिसकी जांच की जा रही है और जांच उपरांत जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। सख्त रूप से प्रक्रिया जारी है। अभी गिनती में 10-12 स्थान चिन्हित हुए हैं और जैसे जैसे जानकारी मिलती जाएगी तो उन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई।